नेशनल फाइनल के हमारे ऑफिशियल हैं इस समय हमारे खिलाड़ियों से, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महोदय, खिलाड़ियों और कोच से मिलते हुए आदरणीय प्रकाश काशी जी, मंडली हमारे मंत्री डॉक्टर कर्ण जोशी जी, डॉक्टर विवेक पांडे जी जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ नैनीताल और सभी अतिथि इस समय जिला शिक्षा अधिकारी जो आयोजन और हमारे उन्हीं पैनल के जल के जो ऑफिसर आए हैं, चाहे हम संजय सर की बात करें, चाहे आलोक सर की बात करें या फिर आनंद खबर, राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन हो रहा है और ये जो उनके विश्व देखने लायक होते हैं तो हम इससे कृतार्थ भी हुए हैं। राज्य स्तरीय विद्यालयी बास्केट प्रतियोगिता के इस समय बालक वर्ग का मैच हो रहा है। हमारे साथ है जनपद नैनीताल की टीम जिन्होंने अभी अभी मैच खेला है, आइए जानते हैं उनसे इस मैच की क्या उपलब्धि रही और इन बच्चों के द्वारा किस तरह से गेम को खेला गया। ये हमारे नैनीताल जिले की टीम थी, इसमें अभी हमने जो स्कोर कराया है 28-3 से हम जीते हैं। हमारा स्कोर जो था 30 था और उधम सिंह नगर का 3 था। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, ये हमारे अंडर 17 के बच्चे हैं। हमारे साथ इस समय नैनीताल जनपद के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक श्री गोपाल स्वरूप भारद्वाज जी हैं। सर, आपके जनपद में ये जो राज्य स्तरीय विद्यालयी बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इस संदर्भ में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस MB इंटर कॉलेज के इस बास्केटबॉल कोर्ट पर राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जो राज्य स्तर की है, जिसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 के बालक बालिकाएं जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, टीमें होंगी जिस जनपद की, वो टीमें राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करें। ठीक है सर, धन्यवाद। इस मैच के बाद पौड़ी और नैनीताल अंडर 19 गर्ल्स का मैच होगा, तो दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी। राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि देखने को मिल रहा है MB इंटरमीडिएट कॉलेज हल्द्वानी में जो इन दिनों बहुत बेहतरीन इवेंट चल रहा है, पृष्ठभूमि में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हमारे राज्य स्तर के बॉयज़ और गर्ल्स अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 अपने दमखम, अपने स्किल, अपने पावर, अपने इंड्योरेंस को प्रदर्शित कर रहे हैं और यही है जो राज्य स्तरीय हमारा बास्केटबॉल का इवेंट होने जा रहा है। और इसमें देखने को मिला है कि बहुत सारे हमारे खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नेशनल फ्रेम पर भी आने वाले दिनों में आपको चमकेंगे, तो हम सभी को शुभकामनाएँ देते हैं। सर, यहाँ पर जो मैच हुआ है और कौन सा, आप कहाँ से आए हैं और आपकी टीम ने किस इवेंट को जीता है और क्या रोल रहा आप लोगों का? एक्चुअली सर, हम उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और अभी हमारा अंडर 17 का सेमीफाइनल है और अंडर 19 का हम फाइनल में पहुँच चुके हैं। ये हमारे टीम मैनेजर हैं और ये भी सर, मैं टीम कोच हूँ उधम सिंह नगर टीम का, बास्केटबॉल अंडर 19 का, और अभी हमने अंडर 19 में हमने देहरादून को बहुत अच्छे पॉइंट से मात दी है और इसी बदलत हम फाइनल में पहुंचे हैं। बहुत बढ़िया शुभकामना है आपको कि आपने अच्छा, इसमें बच्चों का क्या योगदान रहा, क्या भूमिका रही, किस तरह से आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं? सर, ऐसा है, बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस देनी पड़ती है, तो करना पड़ता है, बच्चे अच्छा खेले, हमारे अंडर 17 भी खेल रहे हैं, अंडर 19 भी खेल रहे हैं, थोड़ा बाहर आके थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अपने यहाँ पर दिखा रहे हैं, अच्छी मेहनत दिखा रहे हैं। थैंक यू। सर, आप कहाँ से आए हैं और इस यहाँ पर आपने कितने मैच खेले और उसमें क्या आपकी योगदान रहा, क्या उपलब्धि रही? हम लोग अभी नैनीताल जिले से हैं और हमने कल भी एक मैच देहरादून के साथ खेला और उसमें हमने देहरादून को बहुत अच्छे स्कोर से हमने मैच जीता है और आज भी हमारा पहला सेमीफाइनल मैच उधम सिंह नगर के साथ हुआ तो उसमें स्कोर रहा हमारा 30 नैनीताल और 3 उधम सिंह नगर। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा बास्केट किसने किए? सबसे ज़्यादा बास्केट हमारे टीम के सुजल कुमार ने किए हैं जो कि हमारा मेन फीडर भी था और उसने सबसे ज़्यादा बास्केट भी किए हैं। ये हैं हमारे सुजल कुमार, टीम के बहुत अच्छे फीडर भी हैं और हमारे बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं सुजल कुमार।